अयोध्या में सेना में भर्ती होकर अपना भविष्य संवारने के लिए आए युवकों ने पूरे शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। सेना में भर्ती होने के लिए अयोध्या पहुंचे हजारों की तादाद में युवकों ने शहर के पार्कों समेत पुलिस के बैरिकेडिंग को तहस नहस कर दिया। युवकों ने जगह जगह पर सड़कों पर लगे पुलिस के बैरिकेडिंग को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। शहर की हालत यह है कि युवकों के उत्पात से टेम्पो टैक्सी वाले भी परेशान है। आलम यह है कि युवक जबरदस्ती टेम्पो पर सवार हो रहे हैं, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। युवकों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया ने कहा कि प्रादेशिक सेना में भर्ती के लिए भारी संख्या में युवकों के पहुंचने से थोड़ी अव्यवस्थित हुई है, लेकिन स्थिति अब कंट्रोल में है। देखिए कुछ नहीं, सारी व्यवस्था ठीक है, हमारे यहाँ पर्याप्त फोर्स है। इस समय अब कोई चिंता का विषय नहीं है, भर्ती हो रही है सेना की, और उसमें आज यूपी प्रदेश की थी भर्ती, तो कल से ये बच्चे काफ़ी संख्या में आ गए अपने प्रदेश में, 75 सारे जिले से आ गए हैं, तो जिस वजह से संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है, परंतु सारी स्थिति कंट्रोल में है। तो थोड़ी संख्या ज़्यादा होने की वजह से अव्यवस्था थोड़ी से हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है, बट ये है कि सारी चीज़ें कंट्रोल में।